हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 28 के बारे में। ये एक हमारा फंडामेंटल राइट भी है। अब आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इट मीन्स कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती या किसी भी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। अब इसमें फोर टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, इंस्टीट्यूशंस दैट आर होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरीके से स्टेट द्वारा मेंटेन करे गए हैं। दैट सेकंड, दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। थर्ड, दैट रिसीव एड फ्रॉम द स्टेट फंड्स। फोर्थ, इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश अंडर एनी ट्रस्ट और एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट। ठीक है, दिए हो गए हमारे चार तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। चलिए अब जानते हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। यहाँ पे जो स्कूल मेंटेन करे जा रहे हैं स्टेट के द्वारा, इसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती हैं, ये कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। अब जो सेकेंड और जो थर्ड है, जो कि रिकोगनाइज बाई स्टेट है इंस्टीट्यूशन और जो एड्स रिसीव करते हैं स्टेट फंड में से, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस में भी परमिट, इनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, लेकिन दो कंडीशंस के ऊपर, जैसे कंसेंट ऑफ स्टूडेंट या कंसेंट ऑफ गार्डियन इन केस ऑफ माइनर। कि अगर किसी भी स्टूडेंट का कंसेंट है, अगर कोई स्टूडेंट कंसेंट देता है तो ही उसको क्या बोलते हैं, या उसको फोर्स नहीं करा जाएगा कि आपको क्या बोलते हैं किसी भी रिलीजन को पढ़ना है या फॉलो करना है। ठीक है, और अगर कोई माइनर बच्चा है तो उसके जो गार्डियन होंगे, उसके जो पेरेंट्स होंगे, उनसे कंसेंट ली जाएगी। अब जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं किसी भी ट्रस्ट के द्वारा, अंडर किसी ट्रस्ट में आते हैं या एडमिनिस्ट्रेट बाय द स्टेट हैं, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।